हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे घर में, कुछ भी वेस्ट मटेरियल, उसका यूज़ बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको खूबसूरत आप पिक्चर में या खूबसूरत आप इसको वॉल हैंगिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि घर में कुछ कभी वर्क को ऐसे भी मिल जाते हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है चकला, जो रोटी जिस पर बनाई जाती है वो है। ये वेस्ट था, डिस्कार्ड कर रहे थे तो ऐसे पड़ा हुआ था, फेक नहीं था, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया, सोचा चलो इस पर ही कुछ क्राफ्ट किया जाए और आपको बताया जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, और भी है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर देखिए मैंने लोटस ड्रॉ किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक ये है जिस पर मैं मधुबनी बना रही हूँ। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से इसको मैंने कंप्लीट किया है। इसमें फ्रेंड्स में जो कलर्स हैं वो एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ। बेस में मैं पहले जो प्राइमर, वुड प्राइमर होता है वाइट, वो लगाती हूँ। उसके बाद में फिर इसके ऊपर जो दूसरे कलर होते हैं वो अप्लाई करती हूँ। इसे एक बार प्राइमर, वुड प्राइमर जो वाइट होता है वो एक्चुअली में सस्ता भी पड़ता है और वो अच्छा भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। जैसे आप यूज़ करेंगे ऐसे कलर वगैरह भी अच्छा कोट आता है, जो नेक्स्ट कोट आप कलर वाला करते हो उसमें आपका कलर कम यूज़ होता है। और ऊपर जो मैं ये एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ, ये तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे। और ये देखिए, अभी इन पर ड्रॉ करना बाकी है। अभी मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, कुछ पे थोड़ा बहुत कलर किया है और कुछ पर बाकी है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, बीच में आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, पता नहीं ये गुलमोहर है या क्या है। आपको पता हो किसी को तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, उस पर ये बहुत सारे फ्लावर अभी हैं, शायद फिर अब थोड़े दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे, शायद साल में एक ही बार आते हैं, पता नहीं कौन सा है, मुझे भी नहीं पता गुलमोहर है या क्या है, पर तो बहुत खूबसूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं मुझे आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत है। नेचर की तो हर चीज़ खूबसूरत है। ये देखिए, तो इस तरह से। और आप भी अगर कोई पैटर्न्स बनाना चाहते हैं तो जो आपको आता है, सिंपली लाइन्स हैं, 2-3 कलर्स ही यूज़ करके कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं और वो फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगते हैं। वॉल हैंगिंग के लिए मैं बना रही हूँ अलग अलग शेप्स का यूज़ करके। तो इस तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी मैं कुछ मिरर वर्क भी करूँगी, अभी मैंने सिर्फ कलर्स ही किए हैं, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो फिर बाद में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इन्हें फिनिश किया है। ये देखिए, पहले मैं इनको वाइट कोट करके, एक मैं बेसिक आपको नॉलेज दे देती हूँ, पहले मैं बेसिक वाइट कोट करती हूँ। देखिए ये जिस तरह से किया हुआ है ना, अब जैसे ये इसमें थोड़ा ये ख़राब है, तो मैं इसको अभी तो मैंने रफली किया है, इसको मैं पुट्टी या कुछ भी इस तरह से लेके, जो सेरेमिक पाउडर जो भी आपके पास हो, सस्ता POP वैसे सस्ता और हर जगह मिल जाता है, तो उसका वो आप क्ले बना के, मतलब थोड़ा सा डो जैसा बना के और इस तरह से इसे फिल कर सकते हैं। ये तो भी इसका काम बाकी है, इसे मैंने अभी किया नहीं है। और इस तरह से फिर आप इस पर वाइट वुड प्राइमर जो है वो कीजिए, और वो भी अलग अलग कंपनीज़ के मिल जाते हैं आपको, वो जो ये हमारे हार्डवेयर की शॉप होती है वहाँ वो मिल जाएंगे, हार्डवेयर की या हाँ जहाँ तो मिल जाएंगे ये कलर्स वगैरह। और उसके बाद फिर जो भी मुझे कोट करना होता है तो मैं एक्रेलिक का करती हूँ, और ये जो होते हैं ये धोने पर भी नहीं जाते हैं, ये कलर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है फिर मैं एक कोट वार्निश इस पर अप्लाई कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल एकदम इनका काम एकदम फिक्स हो जाता है। फिर ये आप वॉश कीजिए धूप में, कहीं भी आप बाहर मतलब लगाइए, तो इसको कुछ भी नहीं होता है, ये बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं और इसके कलर भी डल नहीं होते बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स इस तरह से है, ये देखिए, तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस पर सिंपली लोटस ड्रॉ किया है,
आपको जैसे सिंपल ट्री आते हैं, कोई भी फ्लावर शेप, कुछ भी जो सिंपल से सिंपल पैटर्न आते हैं वो भी इन पे ड्रॉ करके आप इस तरह से हैंगिंग, वॉल हैंगिंग तैयार कर सकते हैं। ये आप मैं तो एक्चुअली ये रेडी कर रही हूँ, जब ये कंप्लीट होंगे और कहाँ लगाऊंगी मैं तो आपको बताऊंगी। इस तरह से ये फ्लावर्स हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे वुड के टुकड़े वगैरह हैं। आपके पास किचन से रिलेटेड भी कुछ अगर ऐसा सामान आपके पास अवेलेबल है जो आप फेंक रहे हैं, जैसे कि कोई बर्तन है या तवा है, कुछ इस तरह जो ख़राब हो गए हैं, तो आप उनको भी कलर वगैरह इसी तरह से करके, वुड प्राइमर या करके, और फिर आप इस पर, या जो पेंट वगैरह आते हैं एशियन पेंट्स वगैरह के जो कलर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ड्यूरेबल होते हैं और बहुत अच्छे वो चलते हैं, तो उस तरह से फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और उनको जो आपको फेंकने की जगह उसका यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे गार्डन में मैंने किस तरह से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ कलर करके किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करके बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कुछ मिरर वर्क भी जो है वो बाकी है, वो सब करके फिनिश करके आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा किस तरह से कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।